वाक्य देखें इनडायरेक्ट के, स्पीच एक्सक्लेमेंट्री वाक्य भी होते हैं इसमें, जैसे मोहन कह रहा है व्हाट ए ह्यूज ट्री इट इज, वाट ए ह्यूज ट्री इट इज, रोहन के रायाज इट इज वेरी ह्यूज। तो ये वाक्य जिसमें ये चिन्ह आ जाए वो कौन से वाक्य होंगे, एक्सक्लेमेंट्री वाक्य होंगे जिसमें एक्सक्लेमेंट्री साइन आता हो। ऐसे वाक्यों में नियम में हमने लिखा कि वाट आ जाए तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज आएगा, दुख हो तो एक्सक्लेम विद सोरो आएगा, खुशी हो तो एक्सक्लेम विद जॉय आएगा, आश्चर्य आए तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज आएगा। तो यहाँ पर वाट आ रहा है, वो कितना विशाल पेड़ है ये देख कर उसको आश्चर्य हो रहा है। ये वाक्य दो तरह से बनते हैं कि पीछे नाउन हो या पीछे हेल्पिंग वर्ब हो। इसमें पीछे नाउन आ रही है या हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। पीछे हेल्पिंग वर्ब वाला नियम लागू करना है कि हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ आई है उसको उठाकर आगे ले जाओ, वो नियम लागू करना है। तो यहाँ हमने लिख दिया मोहन, एक्सक्लेमेंट्री वाक्य हो तो याद रखना है एक्सक्लेम्ड विथ सर, आश्चर्य हो तो सरप्राइज लगा दो दैट, ये लाइन याद ही रखनी पड़ेगी अपने को, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, ठीक है ना। अब ये वाक्य बनाते कैसे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आई है, इट के साथ आई है, इट को उठाकर आगे ले जाओ, आगे ले गए। यहाँ वाजवर हमें लगाना है, इज आर एम किस में बदल जाएगा, वाजवर में इज की जगह वाज लग गया, ए है तो लगाना है और वेरी लगाना है, ठीक है ना, इट वाज ए वेरी, और ह्यूज ट्री है विशाल पेड़ तो विशाल पेड़ वापस आ जाएगा ह्यूज ट्री। तो वाक्य बन गया मोहन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, आश्चर्य हो रहा इसलिए इज इट के साथ आ रहा है तो इट को आगे ले गए, फिर इज आर एम वाजवर में बदल दिया, ए वापस लिख दिया, वेरी यहाँ हमें लगाना है, ह्यूज ट्री यहाँ लिखा है वो ये लिखा है। ये ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेंट्री वाक्य होते हैं। अब सोहन जवाब दे रहा है वापस, सोहन रिप्लाइड, साधारण वाक्य है तो दैट लगा देंगे, इसमें एक्सक्लेमेंट्री कहाँ आ रहा है, देखो साधारण वाक्य आ रहा है, इट से शुरू हो रहा है फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, इट है तो इट का इट आ जाएगा वापस, इज आ रहे हम किस में बदल देंगे, वाजवर में, वेरी का वेरी आ जाएगा, यूज आ जाएगा। तो ये साधारण वाक्य हो गया, जैसे नियम लगाना है वो लागू करना है अपने को। पहला वाक्य कठिन है, पहला वाक्य समझने वाला है कि एक्सक्लेमेंट्री आए चिन्ह आएगा, वाट आ गया तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिख देंगे, दो तरह के हैं, पीछे नाउन हो या हेल्पिंग वर्ब हो, पीछे हेल्पिंग वर्ब है इसको इसके इट के साथ है तो इट को उठाकर आगे ले गए, इधर वाजवर में बदल दिया, ए लगा दिया, वेरी लगा दिया, ह्यूजली। नीचे वाला वाक्य साधारण है, रिप्लाइड लगा दिया, दैट लगा दिया, इट का इट आ गया, इधर वाजवर में बदल दिया, वेरी ह्यूज लिख दिया। ये चीज़ें ध्यान रखने की है बॉय, एल्स आई हैव फेल्ट अगेन टीचर हैव करेज एंड ट्राई अगेन।
दो वाक्य है इसमें भी, बॉय जो है अब इसमें पीछे नहीं आया, इसमें देखो यहाँ पर एक मीनिंग के साथ एक्सक्लेमेंट्री दे दिया तो एक्सक्लेमेंट्री वाक्य हो गया, ध्यान रखना है ठीक है। आई हैव फेल्ड अगेन, मैं दोबारा फेल हो गया, दोबारा फेल हो गया, इसका मतलब ये दुख हो रहा है उसको। तो हम लिखेंगे जब, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द बॉय दुख हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो और दैट। मैंने पहले ऊपर भी बताया था आश्चर्य के लिए वो लाइन याद रखनी है, सो दुख के लिए ये एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या ग्रीफ याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। एल्स आला है, एल्स ओ ओ हो दुख को व्यक्त करता है, वाक्य पढ़ने से पता लग रहा है मैं फेल हो गया हूँ दोबारा, तो वहाँ दुख हो रहा है, सोरो लगा दें। अब यहाँ एल्स तो हट गया, आई आया, आई बदल देंगे बॉय से तो क्या आ गया, ही आ गया। कैसे, आई माई मी बॉय के लिए ही इज और हिम, तो आई के सामने कौन आ गया, ही आ गया। है वाला है क्या, है जो है किस में बदल जाएगा, हेल्ड में, फिर आया फेल्ड, फिर आया अगेन, ही हैड फेल्ड अगेन, बाकी सरल है, इससे ज़्यादा सरल है ये वाक्य, क्योंकि इसमें बस मीनिंग की पहचान करनी है, बाकी साधारण वाक्य की तरह वाक्य होता है, बदलने वाली चीज़ें बदलनी है, नियम लगाना है। टीचर जो है ना, अब ये हैव से शुरू हो रहा है, देखो हैव यहाँ पर्सन वाचक नहीं है, किसका काम कर रही है, वर्ब का काम कर रही है, पर्सन वाचक नहीं है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है, हैव मैंने रखना। तो जो वर्ब से वाक्य शुरू होते हैं तो टीचर जो है सलाह दे रहा है, टीचर एडवाइज्ड द बॉय, सलाह के लिए एडवाइज लगा दिया, अब यहाँ फिर रिप्लाई नहीं लिखना है। और जो इससे शुरू होते हैं वर्ब से तो टू लगा दो, टू हैव करेज एंड ट्राई अगेन, टू लगा के वाक्य को क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि वो वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में टू लगा कर जोड़ना है। तो इस प्रकार ये एक्सक्लेमेंट्री वाक्य किया हमने, तो एक्सक्लेमेंट्री वाक्य किस तरह करना है आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें, नियम एक बार पढ़ लेना कि पीछे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो या वर्ब से शुरू होता हो उसमें क्या करना है, एक्सक्लेमेंट्री वाक्य में आप आसानी से फिर वाक्य को बना सकते हैं, उसमें कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि एक्सक्लेमेंट्री वाक्य पूछे तो चिन्ह आएगा, चिन्ह से पहचान कर लेना कि हेल्पिंग, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से देखना है या नाउन से देखना है, हेल्पिंग वर्ब आई तो हमने उठाकर उसको सब्जेक्ट के साथ आगे ले गए, दूसरा वाक्य आया तो उसमें एल्स आया तो उससे पता लग गया एक्सक्लेमेंट्री दुख व्यक्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम आराम से वाक्यों को क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेंट्री वाक्यों को भी आसानी से इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं।